नरसिंहगढ़ में रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर भगवान श्री राम के प्रकट उत्सव दिवस पर वीर बाल शिवाजी सेना के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। सेना के संस्थापक संयोजक देवकुल शिरीष उपाध्याय ने बताया कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम प्रकट उत्सव दिवस पर बाल वीर शिवाजी सेना ने संकीर्तन करते हुए नगर में सुबह प्रभात फेरी निकाली। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना जागे तो भारत अखंड होगा, धर्म संसार की भावना जागे तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और सभी सनातनी बंधुओं को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर सेना के सत्यम साहू, आदित्य भावसार, दर्शिल उदावत सहित समस्त वीर बाल शिवाजी सेना के सदस्य उपस्थित रहे। प्रकट उत्सव था। इस शुभ अवसर पर बाल वीर शिवाजी सेना ने संकीर्तन करते हुए प्रभात फेरी निकाली। आप इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह के आयोजन करने का कोई उद्देश्य? हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। मेरी आयु के जो बालक है उनमें राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पण का भाव जागे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जो हमारा राष्ट्र प्रेम की भावना है वो जागे और भारत अखंड होगा, और धर्म संस्कार की भावना जागेगी तो हिंदू राष्ट्र घोषित होएगा। यही तो हमारा उद्देश्य है।